बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान भाई भी हैं जो अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर म्यूजिक रखते हैं, खुद भी गुनाह करते हैं और दूसरों को भी सुना करके गुनाह के अंदर मुलविस करते हैं। तो नतीजा क्या होगा? जो इंसान गुनाह कमाया उसका भी गुनाह और खुद उस इंसान का भी गुनाह उसी के सर पर होगा जिसने म्यूजिक से भरा स्टेटस लगाया है।